हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की करी या तो फिर दूधी के कोफ्ते की करी। तो सबसे पहले हमने लौकी ली है, उसे छील लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है और उसमें से सारा पानी जो है हमें निचोड़ लेना है। तो ये सारा मेरा पानी बचा हुआ है, बस इसे फेंक दे। और जो ये मेरी लौकी है दूधी, तो इसे अच्छे से देख लेना है साफ। और उसमें 2 इंच अदरक हमें ऐड करनी है। ये हमने हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट बनाई थी, ये पेस्ट भी ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून हमें इसमें हल्दी ऐड करनी है। इसमें आप 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे तीखा लगता है वैसे ऐड कर दें। और उसमें जो है 1 टेबल स्पून अजवाइन हमें हाथ में ऐसे पीस करके डाल देंगे इसमें, तो स्वाद खिलेगा। नमक है हमें स्वाद अनुसार लेना है। और उसमें अभी बेसन का आटा जो है हम ऐड कर देंगे। पानी डालना नहीं है बिल्कुल भी हमें, क्योंकि हमारी जो दूधी है वो ऑलरेडी पानी छोड़ती है। तो ये हल्का हल्का देखकर हमें बेसन ऐड करना है। और ये बेसन हमारा ऐड हो रहा है इसमें अभी, तो देख लेना है हमें जैसे गाढ़ा बनाना है वैसे, जैसे कि हमारी मतलब अच्छे से पकौड़े जो है भजिया वो अच्छे से तल जाए। तो हमने बैटर बना करके 10 मिनट के लिए रख दिया है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये तेल हमारा अभी गर्म हो रहा है, तो हमें स्पून की सहायता से या फिर आपका हाथ से भी उसमें छोटे छोटे पकोड़े जो है गोले बना करके इसे डाल सकते हैं तेल में। तो एक टाइम पे हमारे 6 से 7 पकोड़े जो है तल करके रेडी हो जाते हैं। हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है। तो हमने मीडियम फ्लेम पे ये गैस को रखा हुआ है। ऑयल में अच्छे से ये पकोड़े हमें ऊपर और नीचे से फ्राई कर लेने हैं। तो देखना है हमें बस 5-5 मिनट के बाद हमें इसे पलट देंगे। हमें इसे गोल्डन होने तक पकाना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ज़्यादा काला काला भी नहीं करना है और ज़्यादा कच्चा कच्चा भी नहीं छोड़ना है, क्रिस्पी होने चाहिए बस। आप इसे बच्चों को ऐसे भी खाने के लिए दे सकते हैं, बहुत अच्छे से लगते हैं ये। बस ये ऊपर और नीचे से 5-5 मिनट तक आपको पकाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर देना, कमेंट्स भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये मेरे वीडियोस भी है जो शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बस ये ऊपर से नीचे हो गया अभी हमारे पकौड़े तल के, तो इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये कलर जो है गोल्डन गोल्डन कलर के हिसाब से आने चाहिए, ज़्यादा जलाना नहीं है हमें इसे। ये सेकेंड बैच भी मेरी अभी रेडी हो रही है फ्राई करके, बस ये रेडी हो जाएगी। तब तक हम इसे बाजू में निकाल के रखेंगे और अभी ग्रेवी के लिए देख लेंगे। तो 10 टेबल स्पून हमें तेल लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देंगे। आप थोड़ा कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं उसमें। और 3 टोमेटो मैंने प्यूरी बना करके लिया था, तो 3 टोमेटो प्यूरी लेना है हमें। और उसे स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर आपको रख के मतलब उसे अच्छे से पकाना है। हमने थोड़ी सी हींग डाली है इसमें, 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून हमने हरा धनिया पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छे से तेल में पकाना है। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है, अच्छे से इसे सारे मसाले जो है तेल में पकने चाहिए। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी को भी अच्छे से तेल में पकाएंगे हम। अब 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मसालों में अच्छे से पका लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, इसे भी मसालों में अच्छे से ऐड कर लेंगे। और मैंने ये ड्राई मैंगो स्लाइस लिया है जो मैं हर साल सुखाती हूँ। आप अगर ड्राई मैंगो नहीं यूज़ करते हैं तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर आप ऐड कर लें। बस ये मसाले अभी तेल छोड़ रहे हैं, तो इसमें हमें अभी 2 गिलास पानी डालना है।
आप ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जो कोफ्ते हम उसमें ऐड करेंगे वो कोफ्ते जो है पानी पूरा सोख लेंगे। तो ये दो ग्लास मैंने पानी इसमें ऐड करना है, तो बस। और इसे अभी हाई फ्लेम पे आप रख के इसे अच्छे से उबाल आने दें। आप उस नमक भी देखकर ही डालना है। अभी शुरुआत में नमक हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे मतलब करी हमारी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक हो जाती है या फिर लिक्विडी हो जाती है, उसके हिसाब से हमें नमक फिर से ऐड करना है। क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। हरा धनिया ऐड कर लिया हमने, हरा धनिया ऐड होते ही हमें बस उसे उबाल आने देना है अच्छे से। नमक जो है मैंने कहा था वैसे ही आप थोड़ा सा ही नमक ऐड कर दे पहले, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोफ्ते में भी नमक ऐड किया हुआ है। जो कोफ्ते हमने तले थे वो आप बच्चों को ऐसे भी खाने दे सकते हैं, उनके पेट में कुछ तो अच्छा चीज़ जा सकती है। बस इसे उबाल आने के बाद हमने इसे कोफ्ते ऐड कर देने हैं। बस 5 मिनट तक उसे उबाल आने देना है, कोफ्ते ऐड कर लेंगे और बहुत स्लो फ्लेम पर हम उसे 5 मिनट तक ढक कर के रखेंगे। जो कोफ्ते हैं पानी पूरा सोख कर लेते हैं। बस ये हो गया। हर एक पर्सन के हिसाब से 4 से 5 कोफ्ते आ सकते हैं। ये मेरी करी अभी रेडी हो गई है। मैंने ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाई है क्योंकि इसमें कोफ्ते हैं, बच्चे मेरे बहुत प्यार से खाते हैं। थैंक यू।